ओके, डिस्कसिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 13 गैशियस एक्सचेंज का चैप्टर है. और इसमें हम जिस तरह हमने न्यूट्रिशन में जो है वो पहले प्लांट्स को डिस्कस किया, फिर एनिमल्स के बाद बारे में हमें जब डिस्कस किया तो हमने माइक्रो लेवल से यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल से यूनिसेलुलर लेवल में जिसमें हमने अमीबा को डिस्कस किया, उसके बाद हमने इनवर्टिब्रेट्स में सिंपलेस्ट हाइड्रा, देन आगे हमने कॉकरोच वगैरह इनवर्टिब्रेट्स की हायर रैंक की तरफ, देन वर्टिब्रेट्स हमने मैन को डिस्कस किया. सिमिलरली गैशियस एक्सचेंज में भी हम इसी तरह से पढ़ेंगे कि पहले गैशियस एक्सचेंज क्या होता है और जिस तरह डाइजेशन में पढ़ा गया उसकी क्या ज़रूरत है. सिमिलरली गैशियस एक्सचेंज की ज़रूरत क्या है, ये तो आप लोगों को पता है कि जो आप सांस ले रहे हैं वो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है. सांस रुकेगा तो आपकी डेथ, मतलब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है. तो सिमिलरली गैशियस एक्सचेंज भी हम पहले माइक्रोस्कोपिक लेवल्स में पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्लांट्स में, एनिमल्स में इस तरह से पढ़ेंगे. माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो गैशियस एक्सचेंज होता है वो वेरी सिंपल डिफ्यूजन का मैकेनिज्म होता है नॉर्मली, जैसे बैक्टीरिया है या अमीबा है. उसके बाद हम यहाँ पे मेरे ख्याल है इस चैप्टर में, हाँ जी इस चैप्टर में स्टार्ट किया हुआ है फ्रॉम द प्लांट्स. तो देखते हैं कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन की डेफिनेशन जो है वो बुक में नहीं लिखी हुई है. अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपके बिल्कुल पेज 259 पे जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें डिफरेंस बिटवीन, आपको डिफरेंस बताया हुआ है सेलुलर एंड ऑर्गेनिज्मिक, ऑर्गेनिज्म लेवल पे रेस्पिरेशन का. तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है और उसके बाद ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे जो रेस्पिरेशन होती है वो क्या होती है. मैंने शायद पहले भी यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मैं एक बहुत फेमस अकेडमीज़ है पाकिस्तान की, बहुत फेमस अकेडमीज़ है, बहुत बड़ा नाम है उनका. तो मैं वहाँ पे, मुझे कुछ काम था, आई वाज देयर, तो एक इंटरव्यू हो रहा था एंड दे टोल्ड मी के चूँकि मैं भी बायो पढ़ाती हूँ तो दे सेट के आप भी इनका इंटरव्यू लें. एंड वो सर, वो जनाब आए थे बायो के टीचर के लिए जो है वो इंटरव्यू देने आए थे, तो डिमॉन्स्ट्रेशन बेसिकली. तो हमने, उन्होंने गैशियस एक्सचेंज का टॉपिक उठाया तो हमने उनसे ये पूछा कि जो आप सबसे पहले ये बताएं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फ़र्क क्या होता है, या सेलुलर रेस्पिरेशन या ऑर्गेनिज्मिक लेवल रेस्पिरेशन पे फ़र्क क्या होता है. अब मसला ये है कि जब आप इंटरव्यू देने आते हो या डेमोस्ट्रेशन में आते हो तो कभी आपसे इतना सीधा सवाल नहीं पूछते हैं कि हम उन्हें ये पूछते कि जी आप सेलुलर या ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन में फ़र्क बताएं, तो दे विल बी सेइंग कि सेलुलर रेस्पिरेशन सेल लेवल पे, ऑर्गेनिज्मिक ऑर्गेनिज्म लेवल पे. तो ऐसा नहीं होता. व्हाट वी आस्क देम कि आप जो डिफरेंस है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, क्या ये सेम चीज़ है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं. तो दैट पर्सन वॉज ब्लैंक, आई डोंट नो कि उन्होंने, मुझे याद नहीं कि वहाँ उनकी क्या क्वालिफिकेशन थी या क्या, बट डेफिनेटली अगर वो टीचिंग एक्सपीरियंस या गेन करने के लिए, टीचिंग के लिए कितने बड़े इंस्टीट्यूट में आए हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि बेसिक चीज़ डिफरेंस क्या होता है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में. तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ना, बेसिकली ये वर्ड होता है जिसको हम रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं. इसमें डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, और वो एनर्जी प्रोडक्शन किस तरह से होती है, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड. फूड की ब्रेकडाउन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है. और ब्रेकडाउन ऑफ फूड कैसे होती है बच्चे, वो होती है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. और ये ऑक्सीजन आती है आपके पास इस ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन से, जिसको आप ब्रीदिंग या वेंटिलेशन कहते हैं. तो ये चीज़ जो है वो याद रखनी है आप लोगों ने. सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब आपके पास जो बेसिक पहला स्टेप है वो ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन होती है. सेलुलर रेस्पिरेशन बाद में आती है. आई एम सॉरी, मैंने पहले लिख दिया बिकॉज आई गेस बुक में जो है वो पहले ही चले. एनीवेज बाद में लिखा हुआ, मेरी थोड़ी सी है, मुझे पहले ये लिखना चाहिए था. स्टिल सेलुलर रेस्पिरेशन जो है इसमें डायरेक्ट प्रोडक्शन होती है और ये सेलुलर लेवल पे होती है, एक सेल के अंदर होती है, जिसको आप कहते हैं इंट्रा सेलुलर लेवल. इंट्रा मीन्स एक सेल के अंदर. और जब आप ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ये जो आप सांस ले रहे हो बेटा, सांस जो आप ले रहे हो यानी कि अंदर आपके जा रही है ऑक्सीजन और बाहर आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सांस लेना, इसको आप वेंटिलेशन कहते हो या इसको आप ब्रीदिंग कहते हो. तो ये जो है वो डिफरेंस है जो आपने याद रखना है. इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गैस एक्सचेंज इन एयर एंड इन वाटर.
एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस गैस गैशियस एक्सचेंज का, पानी में हो या एयर में हो. अच्छा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन इज कैरी आउट डेली बाय डिफ्यूजन. हाँ, ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी कि जो गैसेस एक्सचेंज होता है ये डिफ्यूजन के मैकेनिज्म से होता है, और डिफ्यूजन के मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर या सॉरी एटमॉस्फेयर में उस गैस का प्रेशर कितना है, बेसिकली ये चीज़ इन्वॉल्व होती है. क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम होती है, बाहर एटमॉस्फेयर में डेफिनेटली ऑक्सीजन ज़्यादा है. आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 116 टॉर, और बाहर जो है वो 169 या 159, आई एम बिट कन्फ्यूज इन इट, वो 160 आई गेस 169 टॉर होता है, जिसकी वजह से बाहर से ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर आती है. आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है, बाहर कम होता है, इसलिए बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है एटमॉस्फेयर में. तो ये डिफ्यूजन का मैकेनिज्म है. चाहे कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म हो जैसे ह्यूमंस हैं, या साइज़ की बात करें तो एलिफेंट्स वगैरह भी हैं, या अगर आप छोटे से छोटे माइक्रो लेवल पर भी आ जाएं तो वहाँ पर भी जो ऑर्गेनिज़म्स हैं लाइक अमीबा या बैक्टीरिया वगैरह, उनमें भी अगर ऑक्सीजन यूज़ हो रही है एरोबिक रेस्पिरेशन में तो वो डिफ्यूजन के मैकेनिज्म के ज़रिए ही होती है. ये अलग बात है कि उनको सिर्फ डिफ्यूजन से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन मिल जाती है. हम डिफ्यूजन के ज़रिए सिर्फ अंदर लेके जा सकते हैं ऑक्सीजन, हमारी पूरी बॉडी के सेल को सिंपल डिफ्यूजन काफ़ी नहीं रहता, तो उसके लिए जो है वो उसको फूड के ब्रेक डाउन करके फूड पार्टिकल्स के ज़रिए एनर्जी जो है वो आगे पहुँचानी पड़ती है. अच्छा, इसके बाद है कि जो आप बात करते हैं गैस एक्सचेंज एयर में भी होते हैं. एयर में जैसे हम लोग टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, एनिमल्स हैं, और वाटर में जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें फ़र्क क्या है, ये आपको दिया हुआ है ऑन पेज 259 के सेकेंड पैराग्राफ में. ऑक्सीजन कंटेंट एयर का बहुत ज़्यादा लाइटर है, ठीक है, हायर है बहुत ज़्यादा है. पानी के मुकाबले में ऑक्सीजन एयर में ज़्यादा होती है, और जिसकी वजह से यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है, लीटर ऑफ वाटर कैन नॉट कंटेन इवन 10 ml ऑफ ऑक्सीजन, वेयर एज ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ फ्रेश एयर इज़ अबाउट 200 ml पर लीटर. आप एक लीटर पानी ले लें, एक लीटर एयर ले लें, एयर में 200 ml ऑक्सीजन होगी, और उसी पानी में 10 ml भी जो है पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ऑर्गेनिजम्स को. तो दूसरा ये है कि सेकेंडली ऑक्सीजन जो है वो 8000 टाइम्स ज़्यादा डिफ्यूज़ कर जाती है इन एयर एज़ कम्पेयर टू वाटर. वाटर के मुकाबले में एयर में ऑक्सीजन जो है वो अच्छी तरह जल्दी डिफ्यूज़ कर जाती है, क्योंकि इन्वायरमेंट ओपन है, स्पेस ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, और बीच में हिंड्रेंस के लिए दूसरे मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं हैं. उसके बाद मॉलिक्यूल्स वैसे और हैं एयर में, जैसे आप बाकी गैसेस की बात करते हैं, लेकिन हिंड्रेंस नहीं क्योंकि स्पेस ज़्यादा है. और गैसेस और गैस और लिक्विड का जो फेस चेंज है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. उसके बाद है ब्रीदिंग ऑफ और वेंटिलेशन इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. द वेंटिलेशन ऑफ वाटर इज़ मोर डिफिकल्ट देन वेंटिलेशन ऑफ एयर बिकॉज वाटर इज़ 8000 टाइम्स मोर डेंस. अब हमने बात की थी यहाँ पे ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे रेस्पिरेशन होती है, जिसमें वेंटिलेशन या ब्रीदिंग आ जाती है, तो उसमें जो डिफ्यूजन के ज़रिए मैंने कहा कि जो अंदर जा रही है एयर उसकी वेंटिलेशन हो रही है, बाहर वापस आ रही है, तो वो अगर पानी जो है वो इतनी आसानी से अंदर नहीं आ सकता, इतना ज़्यादा पानी पहली बात, फिर वो अंदर जाके वापस आना, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो डेफिनेटली हमारे अंदर वो मैकेनिज़म नहीं है. हमारे अंदर तो लंग्स हैं जिनके अंदर जिन ऑर्गेनिज़म के अंदर गिल्स होते हैं जैसे फिश वगैरह, तो उनमें पानी जो है वो इस तरह से पेनिट्रेट करता है, एंड दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस. उनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर आप ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो देखें तो वो कम हो जाती है. उसके बाद है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स. प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज क्या होता है, आप लोगों ने एक बड़े वो जो है वो पढ़े होंगे कंटेंट्स हैं सेल के, जाइलम एंड फ्लोएम. गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, तो आपके लिए ये बात बता दें कि जाइलम और फ्लोएम जो है दे आर नेवर इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन. इन रेस्पिरेशन में कभी इन्वॉल्व नहीं होते हैं वो. मीजोफिल सेल्स होते हैं, मीजोफिल सेल्स में स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, वो इन्वॉल्व होते हैं पहली चीज़. दूसरा कॉर्क सेल्स होते हैं, ओल्ड सेल्स होते हैं, उनके अंदर मौजूद होते हैं लेंटी सेल्स, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द गैसेस एक्सचेंज.
Land plants get their oxygen directly from air, which enters through stomata. उसके अलावा आपको बताया हुआ stomata कितने 12,000 stomata per square centimeter of leaf है और diffusion है. Aquatic plants जो हैं वो भी oxygen को इसी तरह अंदर लेके जाते हैं, लेकिन उनमें भी diffusion होती है from dissolved oxygen in water. उसके बाद है photorespiration and its consequences. Photorespiration क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट है. इसके जो नीचे लिखा हुआ राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट RUBP रिएक्ट विद ऑक्सीजन फोटोरेस्पिरेशन, ये इसी के अंडर आ जाता है और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें जो है वो किस तरह से सारी डिटेल दी हुई है. फोटोरेस्पिरेशन पहली बात कि है क्या. फोटो मीन्स लाइट, रेस्पिरेशन आप जानते हैं द mechanism in which oxygen is going inside of the organism and carbon dioxide is coming out. Normally photosynthesis आप देखते हैं plant में जिसमें oxygen बन रही होती है, carbon dioxide जो है वो उसके और plant जो है उसे capture कर रहा होता है. तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा mechanism different है. उसमें क्या है कि inverse process हो रहा है. Definitely जो respiration का basic principle है कि oxygen जो है वो अंदर आएगी, carbon dioxide बाहर आएगी in the presence of light, जिसकी वजह से हमने उसको नाम दिया है photo का, photo respiration. वो respiration जो कि light की presence में हो रही है. Actually, the process of respiration, photorespiration, carbon dioxide is released and oxygen is absorbed. जो oxygen absorb हुई है वो directly ATP की form में नहीं मिलती, क्योंकि plant को गर्ज oxygen से नहीं है, ATP से या NADH से. तो उसके लिए जो आपने Calvin cycle में enzyme एक पढ़ा था Rubisco, थोड़ा बहुत अगर आप अपनी memory में दिमाग में हाथ मारें, हमने पढ़ा था Rubisco जिसकी abbreviation थी ribulose बेस फॉस्फेट कार्बोक्सीलेज. ये कार्बोक्सीलेज का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है, लेकिन बेटा यहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर नहीं लेके जा रहा, बल्कि ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जा रहा है. सो विल से दैट वो Rubisco जो है वो अब फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे ऑक्सीजन को करेगा. सो इट विल बी नोन एज द फोटो रेस्पायरेशन. और चूंकि Rubisco है तो वो इट डेफिनेटली इट स्टिल द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द प्लांट इन द वर्ल्ड आप कह सकते हैं. अच्छा, ये RUBP जो है इट विल कम्बाइन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जो है ये कम्बाइन करेगा एंड इट विल प्रोड्यूस 2 कार्बन कंपाउंड नोन एज ग्लाइकोलेट प्लस ऑक्सीजन. ग्लाइकोलेट प्रोड्यूस हो जाएगा. ग्लाइकोलेट जो है ये दोबारा आगे ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाएगा. ग्लाइसिन क्या है, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है. ग्लाइसिन इज अमाइनो एसिड. इसका स्ट्रक्चर मैं बना देती हूँ अगर आप चाहते हैं. अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर आप सबको पता है, COOH NH2 H एंड R. अगर इधर R की जगह पे आप H लगा दें तो बेटा ये ग्लाइसिन बन जाता है. ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन है. अच्छा, ये 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये सीरीन बना देंगे. ठीक है, आपके पास 2 ग्लाइसिन आ जाएंगे, सीरीन का मॉलिक्यूल बना देंगे और सीरीन के साथ दे विल आल्सो इवॉल्व 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इवॉल्व हुई है, दिस कंप्लीट्स द मैकेनिज्म ऑफ के अंदर ऑक्सीजन आई है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकली फ्रॉम द प्लांट. अच्छा, इसके बाद है व्हाई फोटोरेस्पिरेशन इज नेसेसरी इन हॉट एंड ड्राई. ये पेज 261 पे जो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है, इन हॉट एंड ड्राई डे, इसके ऊपर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं व्हाई फोटोरेस्पिरेशन इज नेसेसरी. शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ पे, व्हाई फोटोरेस्पिरेशन इज नेसेसरी. ठीक है, क्यों नेसेसरी है, बिकॉज इन द हॉट एंड ड्राई डे द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द लीफ राइजेस. दिस इज बिकॉज द स्टोमेटा क्लोज टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर. स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं अगर हॉट एंड ड्राई एनवायरनमेंट हो, ताकि वाटर लॉस जो है वो कम से कम हो, और इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता है इट गेट्स फॉल बिकॉज इट इज बीइंग कंज्यूम्ड एंड द लेवल ऑक्सीजन राइजेज बिकॉज क्लोज स्टोमेटा डो नॉट लेट इट गो आउट. तो इसलिए फोटो रेस्पिरेशन जो है वो उसका फिनोमेना कैरी आउट होना शुरू रहता है. उसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ पे जो है वो आपको क्वेश्चन में से आप लिख सकते हैं प्लांट्स कैन ग्रो विदाउट फोटो रेस्पिरेशन. इसको आपने एक्सप्लेन करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, उसकी वजह क्या है. उसकी वजह सिर्फ जो है ये इंजाइम है Rubisco, बिकॉज इट इज़ हैविंग द नेचुरल अफिनिटी टू बाइंड बोथ विद कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज विद ऑक्सीजन. शुरू में जब अर्थ नहीं बनी उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा था अर्थ में, बिकॉज बहुत ज़्यादा एनर्जी हाई एनर्जी रिएक्शन हो रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी. तो
तब रुबिस्को सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करता था. ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने से सिर्फ तब स्टार्ट किया जब जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा हो गई या वो इंक्रीज कर गई. सो दैट्स ऑल अबाउट द फोटोरेस्पिरेशन या गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स.